हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग देख रहे हो रिसेंट ब्लॉग्स ब्लॉग्स में आतिक सॉरी सभी को राम राम खम्भा सा। और कैसे हो आयु, क्या आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे? लाइट नहीं आ रही, लाइट की वजह से मतलब कि अंधेरा सा हो रहा है और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा क्योंकि मैं अंदर हूँ ना नीचे। इस वजह से हमारा घर मतलब कि बेसमेंट में ऊपर भी है, तो नीचे वाला जो घर है ना मतलब एकदम ठंडा है, मतलब कूल कूल, ऐसी की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। और मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी है ना ऐसे बोलती है कि तू डेली ब्लॉग बनाया कर। तो देखो ये पास में बैठी है ना, बस इसीलिए क्योंकि ये डेली बोलती है कि तू ब्लॉग बनाया कर, ब्लॉग बनाया कर, क्योंकि आसपास के जो है ना आसपास के ना मतलब जो फेमस स्टार है उनके अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अर्निंग की वजह से अच्छे खासे पैसे आते हैं ना इस वजह से। तो बस मम्मी ऐसे बोलते हैं कि तू ब्लॉग बना, ये देखो मम्मी क्या बोलती है, डेली वीडियो बनाओ बस मम्मी ऐसे बोलते कि डेली वीडियो बना और अपने भी अच्छे खासे पैसे वैसे आने लग जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और दीदी बोल रहे कि सही है, सही बात है, तू ब्लॉग बनाया कर। और अभी मैं जा रहा हूँ मतलब कि कहीं घूमने के लिए, तो आप ब्लॉग में ऐसे बने रहे कंटिन्यू। तो अभी बस जस्ट चलने वाले हैं, तो अभी बस लाइट वाइट आ गई और मैं जा रहा हूँ सीधा गाय वाय देखने के लिए। गाय यार, गाय चाहिए थी, गाय मिल नहीं रही और काफ़ी दिन हो गए, तो मतलब कि वेट भी मतलब लॉस हो गया मतलब, और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ दूध वगैरह नहीं मिल रहा अभी, तो इस वजह से गाय वाय देख रहे हैं। और देखो मेरे पीछे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोई पता नहीं कोई अजूबा आया हो वीडियो बनाने के लिए। और अभी बस वही देखने के लिए जा रहा हूँ मैं सीधा, तो आपको भी आपके साथ भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बस आप लोग पर ऐसे बने रहे, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो लाइट का रीजन ही है ना, बैटरी मैंने यहाँ रख दी, इन्वर्टर वहाँ रख दिया मैंने तब लाइट कहाँ से आएगी भाई कहाँ से आएगी। और भाई जो मैं करता हूँ ना अपनी मम्मी की खुशी के लिए करता हूँ, वो ही बोलते कि तू डेली ब्लॉग कर, ब्लॉगिंग कर, तो बस वही ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा था कि मतलब कि बाहर बारिश का मौसम है तो मैं निकल गया थोड़ी देर, तो मतलब बारिश का मौसम रहा, फिर ऊपर से देखो ये वाली धूप इतनी भयंकर, भाई क्या करूँ, आधे रास्ते तो आ गया मैं। और यहाँ देखो कुछ सुकून सा मिला है जब कुछ हवेली वगैरह आ जाती है ना इस वजह से। और भाई गर्मी हद ही कर दी अब की बार, तो हमारी पुरानी हवेली थी मतलब कि मेरे पापा वगैरह यहीं रहा करते थे सामने इस हवेली में, इन्होंने बेच दी थी क्योंकि यहाँ पे मतलब कि जो हमारा गांव है ना बरसिंहपुरा, तो वहाँ पे तो था ही था, फिर उसके बाद यहाँ भी ली थी, तो यहाँ के जो काफ़ी लोग हैं पापा वगैरह को सब जानते हैं। और भाई मैं गिरते लुढ़कते पड़कते यहाँ तक तो पहुँच गया। देखो उस गड्ढे ना, इसका कभी ताला खुलने वाला ही नहीं है मेरे को लगता है, मैंने काफ़ी प्रयास किया यहाँ तक पहुँचने में, अंदर मतलब अंदर क्या लॉक खुलवाने का बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या ही प्रॉब्लम, कल को ढह जाएगा ही, वो कुछ देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नहीं अंदर से मैं आपको दिखाता, और इसका व्लॉग किसी ने बनाया भी नहीं है सही बताऊँ तो मैं आपको, वो मेरा मकसद यही है कि मैं खंडेला का कुछ अच्छा मतलब सीन है वो दिखाऊँ लोगों को, क्या फ़ायदा। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ भाई गाय भाई देखने के लिए, यहीं पर वो गाय, तो भाई ये वाली गाय हम लोग लेकर जाने वाले हैं, और अभी तक ये बे ही नहीं। अभी ये बोल रहे हैं कि ले जाओ गाय को, तो गाय को ले जाने की बात इसी ने, एक बार हमारे साथ में ऐसा हुआ था कि अगले ने बताई थी कि उसके 10 लीटर दूध हो जाएगा, तो हम लोग वैसे ले आए थे उसको बिना बेगी, तो फिर उसके बाद में जब वो हमारे घर पे मतलब कि बछड़ा वछड़ा दिया ना, तो उसने मात्र मात्र 3 किलो दूध दिया भाई, 3 लीटर पूरे मतलब कि 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम को जाने के बाद में। फिर उसके बाद में अगले को जाके बोला ना कि भाई ऐसी सी बात है, तो फिर उसके बाद में क्या बोलता है वो कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही ना हम लोग ये भी बोल रहे कि आप ले जाओ, मेरी गाय जो है 10 लीटर दूध देने वाली है, 10 लीटर प्लस। तो भाई मैं बोलता हूँ कि मतलब कि जब ब्याजा है ना तो हमें बता देना, तो ऐसे बोले कि ठीक है। तो मेरे आज से 5-7 दिन पहले आया था, तब ऐसे बोले कि 5-7 दिन बाद में ब्याजा आएगी, लेकिन मेरे को देख के लग नहीं रहा कि वे 5-7 दिन बाद में ब्याजा आएगी, कम से कम 1-1.5 महीना लेगी, तो वही देख के मैं बस यही बात चल रही थी और कुछ नहीं।
मैं अभी घर आ चुका हूँ मैं, और घर आने के बाद में थोड़ा सुकून मिला क्योंकि बाहर काफ़ी मतलब कि ज़्यादा गर्मी थी ना इस वजह से। और देख हाँ देख ये एलियन है ना, एलियन है ना। तो ये गोलू है, और ये कौन है? सबको हेलो कर दे, हेलो करो, किस कर दे तुम सबको? मैं जिस टाइम किस कैसे करते हैं किस कैसे करते हैं जी जी बना लियो सारी वीडियो? नहीं। जी जी बना लियो, तो ऐसे पूछना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए बस एक ही काम है, सिलाई सिलाई, ससुराल से आने के बाद में सिलाई है ना। और तो देखो कितना प्यार आ रहा है मेरे ऊपर, किस कर दे सब, किस कैसे करते हैं, किस कैसे करते हैं, किस कर दो ज़्यादा, इधर है इधर है, किस कर दे नहीं करो जबरदस्ती करवा लेता हूँ, किस किस कर गदा गई का। तो ये जीजी एक आसन बना दिया, और पता कब डाला था इसको? 2 साल हो गए इसको, देखा कितना बन गया 2 साल में, देखा कितना बन गया, दिखा तो देखो 2 साल में देखो 2 साल में ये आसन इतना बन गया। हाँ देखो ये देखो, बोल दे गोलू कुछ बोलना है तो तेरे को, बोल दे कुछ बोलना है तो तेरे को, बोलो से बोले सब ठीक है, मजे में होना से पूछ रहा है ना। बस बोली नहीं आती, बाकी समझा सारी देता है, सब समझता है, समझा भी देता है पूरी बात। और बोलो और आए, बढ़िया बाय बाय कर दो, बोलो हेलो कर दे, हेलो हेलो कर दे, हाथों से कर ले सबको दिखा, हेलो कर दे, देखो सब समझता है सारी बातें समझता है। एवरीवन आपको ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आवाज़ आ रही है ना, वारा मशीन चल रही है सामने, इस वजह से आप लोगों को सुन नहीं रहा होगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स से, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो नरेश_743, और डेली ब्लॉग ऐसे आए करेंगे हर 2-3 दिन के बाद में। तो बस आप मेरे ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करना। चलो ठीक है, बाय बाय।